गई वापस। आपसे बोला था जैसा कि आपको सामान दिखाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी आप सोच रहे होगे कि मैं तैयार क्यों बैठी हूँ इतना। कहीं गए थे हम लोग, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को लेके गए थे, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों को लेके शूट करना। तो मैं घर आके मैंने जल्दी से मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये सामान फैला हुआ है, फिर इसको जगह पे भी रखना है। तो बिना देर किए सबसे पहले अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर चैन से बैठ के बातें करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों के कपड़ों से दिखाती हूँ। सब चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से ही ली हैं, मैंने ऑनलाइन फ़िलहाल कुछ नहीं मंगाया है। एक चीज़ आज ऑनलाइन आ गई थी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि वो क्या थी। तो सबसे पहले ये टॉप है, ये ऐसा टॉप है, इसकी यहाँ पे इसमें इससे नॉट बन जाती है। मैं पिक्स भी दिखा दूंगी बच्चों के, वैसे ज़्यादा तो नहीं ले पाए थे लेकिन दूर से तो जो लिए थे वो मतलब वो आपने देख ही लिए होंगे वीडियो में, फिर भी मैं पिक्स और अटैच कर दूंगी अगर अच्छे पिक्स नहीं दिखे तो, लेकिन आप देख लो फिर भी। और इसके साथ में मैं पहले टॉप दिखा देती हूँ, एक टॉप ये है और एक टॉप ये है। बच्चों के कपड़े तो जितने भी देखो उतने कम है, मतलब इतने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं कि क्या बोलो, ये लगता है कि सब खरीद लो। तो एक ये टॉप है, ये इस तरह से इसकी नॉट यहाँ बनती है, पर मेरे बच्चे थोड़े से अभी वीक हैं तो मुझे उसको डबल करके बांधना पड़ा था उसको लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे। तो ये है ये ऐसे, और इनके लोअर सेम ढूंढे थे सेम नहीं मिले, लेकिन ये शॉर्ट्स हैं, दिख रहा होगा आपको ठीक से। एक डिज़ाइन ये है और एक ये डिज़ाइन है। हम लोग ये वाला पीस ढूंढ रहे थे पर ये वाला मिला नहीं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो फिर हमने वो ले लिया, दोनों ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक चीज़ और, एक ड्रेस और दिखाती हूँ, ड्रेस नई तो नहीं है पुरानी है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने प्लान यही किया था पहले ये पहनाएंगे लेकिन नहीं पहना पाए, ये मैंने आज अपने बच्चों को पहनाई थी, पर ये ड्रेस इस तरह से है, ये इनके पापा की खरीदी हुई सबसे पहली ड्रेस है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए खरीदी थी। इसमें ये अलग से टॉप है और उसकी ये ट्यूनिक है। मैं फोटो डाल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी, बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे, छोटे बच्चों के कपड़े आते भी बहुत क्यूट हैं, और ऐसा लगता है कि जितने खरीद लो उतने कम है, लेकिन बच्चों के कपड़े ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते, छोटे हो जाते हैं। और ये खरीदे थे छोटे छोटे बच्चों के बूटीज, छोटे हैं थोड़े से वीक है ना तो उनको वो आते नहीं है अभी, शूज़ बेलीज वगैरह उनको फिट नहीं होती, इसलिए ये बूटीज खरीदी थी, बहुत क्यूट लग रहे थे बच्चे कल मेरे नजर ना लगे। एक सेट ये है, दोनों की मैचिंग भी मिल गई थी, हमने मैचिंग ढूंढी नहीं थी लेकिन मिल गई थी। और एक चीज और दिखाती हूँ, ये हेयर बैंड का सेट लाई थी मैं, इसमें तीन हेयर बैंड्स हैं, तीनों के डिजाइन्स अलग अलग हैं, बहुत प्यारा लग रहा था, दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं एक बार सभी चीजें रख के आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी, अभी तो वैसे मुझे लग रहा है आपको दिख ही रहा होगा। एक चीज़ और दिखाती हूँ, हेयर बैंड ही लाई थी पर वो एक लाते लाते सामान में वो निकल गया था, आप लोगों ने फोटो देखा होगा थाली का, उसमें भी ये बटरफ्लाइज रखी हुई थी, ये बटरफ्लाइज इस हेयर बैंड पे लगी हुई थी, एक्चुअली ये हेयर बैंड था ऐसा, तो ये सामान लाते में एक बटरफ्लाई निकल गई थी तो फिर मैंने उसको डेकोरेशन पर्पज से यूज़ कर ली थी, पर ये हेयर बैंड भी अच्छा है, मैं इसको बाद में ग्लू से चिपका लूँगी तो ये अच्छा वापस से हेयर बैंड बन जाएगा, लेकिन ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। ये भी दो है, अच्छा ये वाली जो ड्रेस है ना ये सेम है,
ये वाली जो ड्रेस है ये बिल्कुल सेम है। वो सेम ड्रेस इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि उसमें साइज बड़ा था। सेम अगर आप पीस लेते तो साइज बड़ा था, तो साइज तो फिर बहुत बड़ा हो जाता बच्चों को। तो फिर इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया और उससे लोगों को बच्चे पहचानने में भी थोड़ा सा आसानी पड़ जाती है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि। हाँ तो आपको बता ही होगा इन्होंने कि एक बच्चे का नाम गुल्लू है, एक बच्चे का नाम पोगो है। तो पोगो को पिंक कलर के कपड़े पहनाते हैं हम लोग और गुल्लू को ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए थे, जिससे क्या लोगों को पहचानने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि गुल्लू कौन है और पोगो कौन है। और अगर आप लोगों को जानना हो कि पोगो उसका नाम क्यों है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपको उसकी पूरी स्टोरी सुनाएंगे हम कि उसका नाम पोगो क्यों है। मैं आपको पिक सबके शेयर कर दूंगी जितने ही मेरे पास होंगे। तो ये तो हो गई कपड़ों की बात। हाँ कपड़ों की बात है तो मैं अपने भी कपड़े दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं यही पहन के गई थी इसलिए थोड़ा सा वो, ये एक कुर्ती ली थी मैंने, मैं इसका भी फोटो आपको दिखा दूंगी। ये फोटो मैंने रंग इसकी स्लीव्स को इस तरह सी से हैं, दिख रहा होगा आपको कलर इसका। इसमें बिल्कुल स्काई ब्लू दिख रहा है पर इसका कलर सी ग्रीन है एक्चुअल जो कलर है। बाकी कुर्ती मुझे बहुत प्यारी लगी, इसमें पॉकेट्स भी हैं दोनों तरफ। मैंने नहीं पसंद करी है, पतिदेव ने पसंद करी है। मैं तो कुछ और पसंद कर रही थी पर पतिदेव को ये अच्छी लगी तो उनने बोला ये लो। और वाकई में पहनने के बाद लग भी बहुत प्यारी रही थी। मैं इसका भी फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आपको ये अच्छे से दिख जाएगी। तो ये मेरी हो गई, इसके साथ लेगी थी, ये तो कपड़े हो गए। अब मैं आपको इनके खिलौने दिखा देती हूँ। सबसे प्यारी चीज मेरे बच्चों को लगी, जो लगी वो है ये। बहुत क्यूट है ना, मुझे भी बहुत क्यूट लगा, हम सबको बहुत क्यूट लगा। इस पर ऐसे डिजाइन बने हुए हैं, ये कैटर पे ला रहा है। तो प्राइस जिस जिसकी मुझे याद आती जाएगी मैं आपको यहाँ पे कर दूंगी, मुझे वैसे तो ध्यान नहीं है, देख लूंगी, याद आ जाएगी तो बता दूंगी। बाकी ये बहुत क्यूट है और बच्चों के खिलौने तो वैसे भी इतने प्यारे होते हैं कि बच्चों से ज़्यादा तो अपन लोग खेल लेते हैं। पर ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। एक ये है, ये पिगी है। बहुत क्यूट लग रहा है। टेडीज रखे हुए हैं दो, कुछ होता नहीं है फिर, बच्चे अभी तो बहुत छोटे हैं तो अभी खेलते भी नहीं है, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने आप अपनी पसंद का लेके आएंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा। और टेडी बियर हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि दो दो रखे हुए हैं, दो दो नहीं तीन तीन हैं, इसलिए हम लेके नहीं आए। ये एक ये लेके आए हैं, बाकी छोटे छोटे खिलौने हैं बहुत सारे, झुनझुने टाइप सारे हैं। एक दो चीजें हैं थोड़ी सी अलग, वो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये ऐसी आवाज करता है, ये बच्चा इसको रोल करेगा तो ये ऐसे चलेगा, मतलब इसको ऐसे खींचेगा तो ये चलेगा, ये इस तरह से आवाज करता है, आवाज करने का ही है। एक ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, ये भी बहुत क्यूट है। बाकी तो ये झुनझुने टाइप के खिलौने होते हैं वो है, वो सब मैं चला के आपको एक साथ दिखा दूंगी तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये खिलौने तो जितने ले लो उतने कम है। अब मैं आपको मेन चीज दिखाती हूँ जिसके लिए कल ओकेजन था और जो मेन चीज थी कल के ओकेजन की।
फोटोज तो आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए ये। चांदी की कटोरी है और चांदी की चम्मच है। एक्चुअली हमारे यहाँ इसी से खिलाते हैं, सिक्के से भी खिला सकते हो आप, चम्मच से भी खिला सकते हो। चम्मच हम इसलिए ले आए थे क्योंकि इनका कुछ होता है नहीं है, वापस से ये जाके लॉकर में रख जाएंगे, पर हम लोगों ने ये डेकोरेशन पर्पज़ से खरीदी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि डेकोरेशन पर्पज़ से कैसे यूज़ आएगी, बताइएगा आप लोग सभी। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सभी चीज़ कैसी लगी और सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगी। मैं कुर्ती का आपको बता देती हूँ, कुर्ती आप लोगों के अगर रंगरीति का स्टोर होगा, रंगरीति से ख़रीदी है मैंने ये कुर्ती, रंगरीति का स्टोर होगा आपको तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। मैंने भी वहीं से लिया, ऑनलाइन नहीं लिए, स्टोर पर जाके लिए। ये दो सिक्के हैं, ये इनकी दादी ने गिफ्ट दिए हैं, दादी मौसी दादी ने। ये दो सेट हम लोग लेके आए हैं बच्चों के लिए, अभी उनको आ तो नहीं रहे हैं लेकिन ले आए हैं, दो सेट हैं ये दोनों के लिए। ठीक, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, हम लोगों को सबको बहुत अच्छी लगी थी ये चीज़, तो आप लोगों को भी शायद बहुत अच्छी लगेगी। ये थाली लाई थी मैं डेकोरेशन के लिए, मतलब जब अपन वो रखेंगे क्या कहते हैं खीर रखने के लिए, तो जब हम लोग ये लाए थे तब हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं था कि हम इसको डेकोरेट करेंगे, पर जब हम इसको घर ले आए तो हम लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया था। ये तो हम लोगों को फ्रेम करानी ही थी, पर जब हम इसको घर लाए, हम लोग ऐसी बात के बातें कर रहे थे तो हमने ये सोचा था कि हम इसको इस तरह से फ्रेम कराएंगे, इस तरीके से, तो ये बहुत सुंदर लगेगी और आप मतलब कहीं भी इसको हैंग कर सकते हो तो फ्रेम करा के, तो बहुत सुंदर लगेगी। और जब ये हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सब सामान कैसा लगा और सबसे अच्छा क्या लगा। और तो यही सब था, बाकी कोरोना के टाइम पे ज़्यादा लोग कुछ लाए इसलिए नहीं, सभी मतलब मुझसे यही बोल रहे थे कि कोरोना के टाइम पे हम कपड़े नहीं लाए क्योंकि नहीं ठीक है, हर कोई सोचता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग तो लाए ले आएंगे धो के पहना लेंगे तो। लेकिन बाकी बच्चों को सबने जो भी है कैश दिया है, ज़्यादा मतलब किसी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, ना ही टॉयज दिए हैं ना ही क्लोथ्स दिए हैं, बाकी जिसने भी दिए हैं सबने कैश दिया है। जग रही है, मुझसे बातें कर रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसको लग रहा है मैं उससे बातें कर रही हूँ। बेटू हाँ देखो देखो, हेलो करो हेलो करो हेलो करो हेलो। बहुत बातें करती है, बातें करो बेबी, बातें करो आंटी से, बातें करो। हेलो हेलो दीदी, हेलो आंटी, चलो ले जाओ। आजकल के बच्चे तो मोबाइल के तो फैन वैसे ही होते हैं, पैदाइशी मोबाइल टीवी इन लोगों को इतना पसंद होता है कि कुछ मत पूछो, बस मोबाइल देखना चाहिए, नजरें सबसे पहले वहीं घूमती हैं। टीवी चल रही है तो टीवी भी दिखती है, ऐसा नहीं है, टीवी वाले भी है मोबाइल वाले भी है। अब ये सब कुछ मुझे समेटना भी है, एक जो चीज़ जो ऑनलाइन मंगाई थी मैंने वो मैं आपको दिखा दूँ, सामान बस इतना ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, हाँ सामान सिर्फ इतना ही था। ये एक मैंने ये मंगाया था, ये है स्वीट परफ्यूम वाटर, ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसमें स्प्रे नहीं होता, ना ही इसमें अल्कोहल पैराबीन सिलिकॉन वगैरह कुछ भी नहीं होता, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है सिर्फ परफ्यूम वाटर रहता है, प्लेन वाटर, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत एक लाइट स्मेल है जिससे उनको प्रॉब्लम भी नहीं हो, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और ये 0 मंथ्स का से स्टार्टिंग है, मतलब आप 0+ के बच्चों को इसको पे यूज़ कर सकते हो,
बाकी मैंने बहुत जगह देखा था तो मुझे कहीं मिला नहीं, मुझे सिर्फ एक ही जगह देखा था मामा अर्थ पे। तो जो मामा अर्थ का था वो 6 मंथ्स के बाद वाला था, बॉडी मिस्ट था वो। तो अभी मेरे बच्चे 6 मंथ्स के तो थे नहीं, तो मैंने इसलिए उसको नहीं मंगाया। फिर मेरे को ये दिखा, फर्स्ट ट्राई पे दिखा मुझे ये चीकू का है, परफ्यूम वाटर है, तो मैंने इसलिए इसको मंगाया था। गर्मियों में बच्चों को भी थोड़ा सा ये वो होने लगता है, बच्चे वॉमिट भी करते हैं, लार भी टपकाते हैं, तो थोड़ी सी उनको भी स्मेल सी होने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता, उनको भी अनईजी फील होता है, तो इसलिए ये मंगाया था। और इसकी प्राइस है, ये मेरे सामने है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 499। ये इतने का ही पड़ा है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो बस यही सब, इतनी शॉपिंग थी। अभी आगे करनी तो और भी है, पर टाइम नहीं था, बच्चों के लिए ही खरीदने थे और कपड़े, पर टाइम नहीं था इसलिए और ज़्यादा नहीं खरीद पाई। तो अभी मैं खिलौने आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से कि क्या क्या है सब वही झुनझुने बजने वाले बच्चों के लिए, पर बच्चे उनको खेलते नहीं है, खाते ज़्यादा हैं। तो चलो अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो बताइएगा क्या अच्छा नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने कंपटीशन की मतलब जो एक छोटा सा कंपटीशन की जो नहीं हाँ कॉन्टेस्ट की जो मैंने बात करी थी, उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, इस वीडियो में नहीं, फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था मैं आपको सारे टॉयज़ दिखा दूँगी, तो यही सब टॉयज़ हैं, सब मतलब झुनझुने वाले हैं, बाकी और तो बच्चे वैसे भी अभी खेलते नहीं हैं। तो बस आप देखो, ये उससे खेल रही है, उल्टी हो गई है और अब इसको मुंह में देने की कोशिश कर रही है। लाइट जलती है, थोड़ी देर देखेगी लेकिन फिर क्या करेगी, वो ये कोशिश करेगी ये कैसे भी मेरे मुंह में आ जाए। तो बस अब यही सामान फैला हुआ है, मैं इसको समेटूंगी। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।